नमस्कार, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। विद्यार्थियों, आज हम ई लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक आता है वो है वंशानुक्रम। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ गुणों के साथ जन्म लेता है जो कि उसको अपने माता पिता अथवा अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। इन गुणों में बच्चे की आकृति, लंबाई, चौड़ाई, स्वभाव इत्यादि कई चीज़ें आती हैं जो कि इनबॉर्न ही लेकर वो अपने साथ पैदा होता है और ये उसके विकास को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अगर जो माता पिता के जीन्स अच्छे हैं तो बालक का विकास अच्छी गति से होता है और अगर इन जीन्स में कोई दोष होता है तो बालक का विकास अवरुद्ध या धीमी गति से होता है। प्रायः ये भी देखा गया है कई अध्ययनों में कि जैसे माता चरित्रहीन माता पिता की संतानें भी चरित्र के रूप में ठीक नहीं होती हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये चीज़ें कभी कभी ही होती हैं। और दूसरा कारक है वातावरण, क्योंकि जीन्स किसी बालक के हाथ में नहीं होते हैं, वो उसको अपने माता पिता या पूर्वजों से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जो दूसरा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक वातावरण बनता है। यदि अनुकूल वातावरण किसी भी बालक को मिलेगा तो उसका विकास निश्चित ही एक अच्छी गति से होगा, अच्छा होगा, बहुमुखी विकास होगा। लेकिन वातावरण अगर अनुकूल नहीं मिला तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इस संबंध में व्यवहारवादी वाटसन का भी कथन है, यहाँ उन्होंने वातावरण को बहुत महत्वपूर्ण माना है और वंशानुक्रम को बहुत ही कम महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मुझे एक दर्जन बच्चे दीजिए, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ बिना उनकी जाति, प्रजाति एवं पैतृकता जाने हुए, जैसे कि मैं उनको डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। इसके अलावा जो अगला कारक है वो है बुद्धि। प्रायः अध्ययनों में ये देखा गया है कि जो बच्चे अधिक बुद्धिशाली होते हैं वो अन्य कई क्रियाओं में भी तेज होते हैं और कम बुद्धिशाली बच्चे अन्य कई क्रियाओं में धीमे रह जाते हैं। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि जो बुद्धिशाली बच्चे होते हैं, जैसे वो खड़ा होना या चलना जल्दी सीख जाते हैं, इसके विपरीत जो मंद बुद्धि या मूढ़ बुद्धि के बालक होते हैं वो चलना एवं खड़ा होना देर से सीखते हैं। अगला कारक में है कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मनुष्य का विकास बहुत हद तक अंतःस्रावी ग्रंथियों पर निर्भर करता है। ये इंटरनल ग्रंथ से एक हार्मोन, विशेष रूप का हार्मोन श्रावण होता है जो कि विभिन्न विकास की प्रकृतियों में सहायक होता है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ही उसका श्रावण ज़्यादा हो रहा है तो व्यक्ति बिल्कुल भीमकाय सा हो जाएगा और कम हो रहा है तो उसका विकास कम होगा, मतलब बौना रह जाएगा। अतः हार्मोन का संतुलित स्राव होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें डिसबैलेंस होता है तो व्यक्ति का विकास प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कारक है विकास को प्रभावित करने वाला, वो कोई भयंकर रोग या चोट। यदि बालक को कोई भयंकर रोग हो गया या कोई चोट लग गई तो आगे उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है चोट विकास में बाधा पहुंचाएगी या कोई रोग। इसके अतिरिक्त जो एक और कारक है वो है लिंग। विकास के अध्ययनों में ये देखा गया है कि लिंग भेद भी विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि लड़कियों का विकास अपेक्षाकृत लड़कों के विकास से जल्दी तेज होता है, तो ये एक लिंग भेद है। तो
आज हमने विकास के कुछ मुख्य कारक पढ़े जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।